नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। 20 वर्षों से लगातार जुर्म व भ्रष्टाचार के खिलाफ हर पल हर कदम आपके साथ, क्राइम सस्पेंस न्यूज नेटवर्क लखनऊ। 8 मार्च को बाली श्री विश्वनाथ शाह द्वारा थाना कर्नलगंज पर लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी गई कि दिनांक 4 मार्च की रात्रि करीब 10 बजे, जब बंदी के दिन वो अपनी दुकान पर बैठकर सराफे की एक हिसाब किताब कर रहे थे, उसी वक्त 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा, जो हेलमेट पहनकर आए थे, तमंचे के बल पर सोने व चांदी के आभूषण लूट लिए गए तथा 1,80,000 रुपए लेकर चले गए। इस सूचना पर तत्काल थाना कर्नलगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना कर्नलगंज पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा तत्काल घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए मेरे द्वारा एसपी पश्चिमी के नेतृत्व में कुल 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें एसओजी और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया। इन सभी टीमों के द्वारा लगातार टेक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इनके अथक मेहनत एवं प्रयासों उपरांत इस घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 1 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन अभियुक्तों के कब्जे व निशानदेही से इस घटना में प्रयुक्त काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, जो बदमाश है उनके द्वारा पहने गए हेलमेट कपड़े पुलिस ने बरामद किया है, तथा घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस पुलिस ने इनके कब्जे से बरामद किया है। इसके अतिरिक्त जो लूट का माल था, उसमें से करीब 220 ग्राम सोने के आभूषण तथा 22 लाख रुपए नकद, जो इन बदमाशों द्वारा लूट का सोना बेचकर प्राप्त किया गया था, वो 22 लाख रुपए नकद पुलिस ने इनके पास से बरामद किया। इस प्रकार इन 4 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इन 4 में से 3 अभियुक्त राघवेंद्र पांडे, सत्येंद्र पांडे और सूरज पांडे, ये 3 सगे भाई हैं और पूर्व में भी फिरौती हेतु अपहरण तथा अन्य चोरी आदि के मामलों में ये जेल जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो 4th अभियुक्त है, फरहान अंसारी, इसका भी लंबा चौड़ा अपराधिक इतिहास है, और इन 3 भाइयों के द्वारा जो पूरी कार्ययोजना षड्यंत्र इस सराफ को लूटने की बनाई गई थी, इसमें असलाह सप्लाई करने का मुख्य किरदार फरहान अंसारी ने निभाया। इस प्रकार इन 4 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उक्त सराहनीय कार्य करने हेतु पुलिस टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। 20 वर्षों से लगातार जुर्म व भ्रष्टाचार के खिलाफ हर पल हर कदम आपके साथ, क्राइम सस्पेंस न्यूज नेटवर्क लखनऊ। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।